अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक हमारा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एज वी नो दैट कि हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एज वी नो दैट कि हमारे पास टेंसेज जितने भी होते हैं लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये तमाम हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तमाम टेंसेज। तो आज हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पे जाएंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स गो टुवर्ड्स द टॉपिक पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके हमारे पास थ्री टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली अपने माइंड में रखना है। स्टूडेंट्स, अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स नोट करने हैं तो आप अपनी डायरी पे नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको ये ना भूलें। और टेंसेस तो इस टाइप की चीज़ होती है कि वी मस्ट नो ऑन आवर फिंगर टिप्स। ये हमें हमारे फिंगर टिप्स पे आने चाहिए तमाम टेंसेस। तो यहाँ हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव थ्री टाइप के हैं। सबसे पहले कि एक्शन वर्ब, एज आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियोज। इसके लिए अगर आप लास्ट वीडियो देखें तो उससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि लास्ट वीडियोज में भी मैंने इस चीज़ को क्लियरली बताया है कि हमारे पास जो वर्ब की थ्री फॉर्म होती हैं ये सारे एक्शन फॉर्म्स होते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है। एज वी नो दैट कंटिन्यूस के जितने भी टेंसेज होते हैं वहाँ हम आई एन जी यूज करते हैं, जिसे हम जेरंड फॉर्म भी कहते हैं और हम इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, वॉट एवर। सो जेरंड फॉर्म यूज होती है कंटिन्यूस के साथ। और यहाँ हमारे पास इस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज और वर। वॉज के साथ आई, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, इसके साथ वॉज यूज होगा। और वर के साथ यू, एनी, कोई भी प्लूरल नेम होगा। और वी, दे, इन तमाम जितने भी हमारे पास प्रोनाउंस हैं इनके साथ हमारे पास सब्जेक्ट्स या प्रोनाउन वट एवर इनके साथ हमारे साथ वर्ब यूज होगा, वर्ब यूज होगा। और रिकग्निशन के लिए अगर हम देखें तो रिकग्निशन इन टेंसेस की उर्दू में किस तरह से होती है, उर्दू के जुमलों में इसके एंडिंग में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, इस तरह के वर्ड्स पे ये सेंटेंसेस जो है उर्दू में एंड होते हैं, जिससे हम ये रिकग्नाइज करते हैं, पहचान करते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। जैसा कि मैं कुछ सेंटेंसेस अभी बना रही हूँ, वो सो रहा है, वो आ रही है, वो कल इस्लामाबाद जा रही है, वो वीडियो बना रही है, बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ये तमाम जितने भी टेंसेस हैं जो हमारे पास रहा है, रही है के साथ एंडिंग हो रही है इनकी, ये सब हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो हम इन्हें पास्ट कंटिन्यूस के साथ रिलेट करते हैं। और आगे अब हम देखते हैं कि हम इन्हें जब फॉर्म करते हैं इन टेंसेस को, तो इनके लिए हम किन किन चीज़ों को अपने माइंड में रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक मेन पॉइंट है, अगर मैं बात करूँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तो इसे दो पॉइंट्स पे हम डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस पे आ जाता है, पास्ट सिंपल। मैंने लास्ट वीडियोस में भी इस चीज़ को कवर किया है, आप वीडियो देख सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा ईजी होगा आपको। तो पास्ट सिंपल, और नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस को हम प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस, इसे पास्ट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूस भी कह सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास अगर पास्ट सिंपल की बात आती है, एज आई टोल्ड यू लास्ट वीडियोस में ये बात हो चुकी है कि पास्ट सिंपल की अगर बात हो रही है तो मैं ये बता रही हूँ, मैं ये काम कर चुकी हूँ, आई वर्क, दे प्लेड। तो ये हमारे पास क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस में और पास्ट कंटिन्यूस में यहाँ पे क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंसिडर करना होता है ताकि हमें जो कंटिन्यूस टेंस है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। बाज ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यही पूछते हैं कि अगर टेंस पास्ट है तो कंटिन्यूस कैसे है, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ये कंटिन्यूस भी है और पास्ट भी है और पास्ट सिंपल। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि पास्ट सिंपल में हम उस चीज़ की बात करते हैं, उस टाइम और एक्शन की बात करते हैं या उस टाइम पीरियड की बात करते हैं जो हमारे पास डन हो चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है, जो काम वो हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस में आता है। और अगर हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो ये हमारे पास प्रोग्रेसिव टेंस होगा, इसे हम प्रोग्रेसिव भी कहेंगे। प्रोग्रेसिव हम इसे इस वे में कहेंगे कि जो हमारे पास कंटिन्यूस टेंस है इसका मतलब है जारी रहना, कोई ऐसा काम जो कि पास्ट में हो रहा है लेकिन वो डन नहीं हुआ है, वो इन प्रोग्रेस है, यानी कि वो चल रहा है, वो कंटिन्यू है, वो जारी है। अब यहाँ हमारे पास पास्ट सिंपल में क्या हुआ है कि मजमूई तौर पे काम डन हो चुका है, मजमूई तौर पर डन हो चुका है हमारा काम, हमारा जो एक्शन है, जो वर्क है। हैव यू सीन देयर,
वर्क प्लेट, ठीक है, दैट्स मीन कि हमारा जो वर्क है, एक्शन है, वो डन हो चुका है. लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में हमारे पास जो एक्शन है वो डन नहीं हुआ है, काम जो है वो मजमूई तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू है, मीन्स के जारी है. तो इसलिए हम इसे इस वर्ड के साथ भी जोड़ देते हैं कि प्रोग्रेसिव है. तो इसे पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहा जा सकता है कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन उसकी एंडिंग नहीं हुए, वो अभी तक चल रहा है, वो कंटिन्यू है, वो जारी है, वो इन प्रोग्रेस है. इस चीज़ के लिए हम इसे इस तरह से बुलाते हैं, इस टेंस को. अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं हमारे पास फार्मूला क्या है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का. तो इसी तरह हम अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव और उसके बाद नेगेटिव को लेके चलते हैं. तो समझते हैं फार्मूला को बहुत इजी तरीके से, जैसा कि वो सो रहा है. अब इसी टेंस को हम बताते हैं ही वॉज स्लीपिंग. ही वॉज स्लीपिंग, जी हमारे पास ये कौन सा हो गया टेंस. अब यहाँ पे अगर हम इसे अच्छे तरीके से और डिफाइन करें तो हम ये देख सकते हैं, जैसा कि स्टूडेंट्स लर्निंग के लिए करते हैं, तमाम पॉइंट्स को, तमाम जो जितने भी वर्ड हैं उसे डिफरेंट तरीके से डिवाइड करके देखते हैं कि कौन सा वर्ड जो है वो किस चीज़ से बिलोंग करता है. जैसा कि ही हमारे पास सब्जेक्ट है, वॉज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और स्लीपिंग हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, एज आई टोल्ड यू कि इसे जेरंड फॉर्म भी कहते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं. तो इस तरह से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. इसके बाद हमारे पास आएगा, हाँ ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस था एज आई टोल्ड यू. अब हमारे पास इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हमारे पास होगा वो क्या वो स्कूल जा रहा है, क्या वो स्कूल जा रहा है. Was he going to school? तो यहाँ हमारे पास question mark, ठीक है, क्या वो school जा रहा है, was he going to school? Next हमारे पास negative है. अब इसमें हम देखते हैं वो काम नहीं कर रही है, वो काम नहीं कर रही है. She was not doing her work. ठीक है, हमारे पास पॉजिटिव भी आ गया, इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी आ गया. अब हम इंट्रोगेटिव में देखते हैं कि हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एज वी नो दैट कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो बिल्कुल स्टार्ट में, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में आता है और उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट. काम किस चीज़ पे हो रहा है, स्कूल पे हो रहा है. और मोस्ट ज़्यादा आप इसे डिफाइन करना चाहें क्योंकि हमारे पास प्रपोजिशन है एज वी नो दैट, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो इसीलिए मैं इस चीज़ को डिफाइन नहीं करूँ. एज वी नो दैट के टेंसेस में हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं. सो शी हमारे पास सब्जेक्ट है, वॉज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारे पास यहाँ पे प्लस हम नॉट कर देंगे और प्लस फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी एंड वर्ब इज आवर ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे प्लस क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए बिल्कुल क्लियर. बहुत ही इजी है ये. इन सेंटेंसेस को पहले आप अपने जुमलों में यूज़ करने के लिए पहले उर्दू में उसे लिख लें, उसके बाद ट्रांसलेट करने के लिए आप उसे स्टूडेंट्स इंग्लिश में करें. तो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप उसे अपनी डायरी पे नोट करें. यू मस्ट नो ऑन योर फिंगर टिप्स योर ऑल टेंसेस. तो इस तरह आप लोगों को ईजी होगा पढ़ने में भी और समझने में भी. होपफुली कि आपको बहुत अच्छे से स्टूडेंट समझ आ गया होगा. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.